कंपैरिजन करेंगे हम दो बाइक के बीच में, एक हमारे सामने खड़ी है यामाहा की MT-15 जो कि ऑन रोड प्राइस 173,000 रुपये आती है पटना की, एक हमारे सामने खड़ी है R15 V3 जो कि ऑन रोड प्राइस पटना की 179,000 यानी 179,000 रुपये ऑन रोड प्राइस पटना की आती है। यदि यामाहा के शोरूम में हूँ, अगर आपको ख़रीदना है, फाइनेंस पे लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो डिटेल में हम कंपैरिजन करते हैं। ये चीज़ मुझसे कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि दोनों में से कौन सी बाइक ले, क्योंकि दोनों में एक ही इंजन लगा हुआ है। तो डिफरेंस हमको पता है, ऐसे एक शब्द में बोले तो ये फेयरिंग बाइक है, ये नेकेड बाइक है, दोनों बिल्कुल अलग डिज़ाइन की बाइक है, अलग फ्रेम की बाइक है। तो आप एक बार में जज कर सकते हैं कि आपको नेकेड लेना है या फिर आपको फेयरिंग लेना है। लेकिन एज अ 5.10 इंच की अगर आप हैं तो थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहा है, मुझसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन सी बाइक लेनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं MT-15 को। तो MT-15 एक नेकेड बाइक है। नेकेड बाइक का मतलब होता है कि हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। हमारा जो राइडिंग पोस्चर होता है, जो हमारा बैठने का तरीका होता है इस बाइक में, जब आप इधर से थोड़ा सा ठीक से देखिएगा तो हम बिल्कुल सीधे बैठते हैं, हमारा जो पीठ होता है एकदम बिल्कुल अच्छा से एकदम सीधा बैठता है। तो हम कहीं भी जाएं, लंबे रूट पे लगातार चलाएं, सिटी में चलाएं, तो हमारा हाइट इवन कम हो, 5 फुट 5 इंच के ऊपर कोई भी इसको चला सकता है, 5 फुट 4 इंच वाला भी चला सकता है। तो अगर हमारा हाइट भी कम हो तो भी हम इसको बड़े आसानी से चला सकते हैं, और मतलब हैसल फ्री चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आना है आपके, मतलब पीठ में किसी टाइप का दर्द नहीं होगा, कमर में नहीं होना है, आपके हाथ में दर्द नहीं होना है, और आप लॉन्ग रूट पे आराम से जा सकते हैं इस बाइक से। तो इस तरह की ये डिज़ाइन होती है, नेकेड बाइक्स होती है। आप इसको ऑफ रोड में बहुत आसानी से चला सकते हैं, आप कहीं कीचड़ हो, पानी हो, उसमें आप बहुत आराम से चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आनंद आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब हैसल फ्री होता है, आप टेंशन फ्री होकर चलाते हैं, ऐसी बाइक को हम नेकेड बाइक कहते हैं और इसलिए ये बाइक बनी होती है। अब आ जाते हैं हम R15 V3 पे। तो V3 को हम समझेंगे, V3 एक फुल्ली फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक है। इसको हम लोग यूज़, जैसे आप बैठते देख रहे होंगे कि मैं लीन हो गया, मैं झुक गया बाइक पे, मेरा कमर यहाँ से झुक गया, मेरे जो पूरा बॉडी का वजन है, चेस्ट का वेट है, वो आपके हैंड पे आ गया, तो मुझे झुक के चलाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली बनाया गया, इसमें आपको विंडशील्ड दिया रहता है ताकि आगे जो हवा है वो अच्छे से पीछे की ओर जाए। ये फेयरिंग लुक जो होता है ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से हवा जब घुसता है तो इधर से हवा निकलता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इस बाइक को स्टेबल बनाता है। साथ ही साथ जो हवा सामने से आ रही होती है, जैसे विंड ब्लास्ट, कभी आप आंधी में खड़े रहिएगा तो आपको हवा ठेल रही होती है पीछे की ओर, तो विंड ब्लास्ट को ये जो हवा को काट के पीछे की ओर फेंक रहा होता है ताकि बाइक आगे की ओर जा सके। तो इसको एक एरोडायनेमिक शेप दिया जाता है इस फेयरिंग के थ्रू, तो बाइक ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में चल जाए, उसके लिए बनाया जाता है। तो इसको बनाया जाता है रेसिंग के लिए, आप इसको चलाइए और बस ऐसे झुक के आराम से जो है टॉप स्पीड जितना से ज़्यादा आप कवर कर सके वो कीजिए, रेसिंग कीजिए, ये सब कीजिए। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं, सिटी में भी चला सकते हैं। कौन चला सकते हैं? जिनका हाइट 5.10 और उससे ऊपर है, और अगर वो इस तरह की बाइक्स को चलाना चाहते हैं, 5.8 बहुत लोग बोलता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल, फुल्ली कंफर्टेबल मतलब बता रहा हूँ, 5.9 5.10 जो है वो पूरा तरह से कंफर्टेबल हो जाता है इस बाइक पे, वो एकदम बैठता है तो उसको बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ता है और वो बहुत ही आसानी से इसे बैठ के इस बाइक को चला सकता है। तो वो सिटी में भी यूज़ कर सकता है, ऑफ रोड में भी यूज़ करता है चाहे तो, मतलब अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकता है। तो ये इसका एक खासियत हो जाता है अगर आपका हाइट जो है 5.10 के आसपास है, पर उससे कम है, लाइक मेरे हाइट के हैं आप, तो कितना देर तक आप रेस कीजिएगा, कितने देर तक आप 120 130 के 40 के स्पीड में चलाइएगा, कहीं ना कहीं जाके आप एक बार डिसअपॉइंट जरूर हो जाते हैं कि चलो अब आराम से सिटी में राइड करना है, आराम से लाइफ जीना है, कॉमन तरीके से रहना है, तो कॉमनली इसको यूज़ करना है सिटी ट्रैफिक में, ऑफ रोड में, कहीं जाने आने के लिए, फैमिली पर्पस पे, तो फिर आप इसको फिर उस तरह से चलाइएगा, नहीं तो फिर आराम से चलाने लगेगा। तो अगर आपको उस तरह का रिक्वायरमेंट नहीं हो, अगर आप यंग एज है, आपको बहुत ज़्यादा दिखाना है, ये सब करना है, डेफिनेटली इसको लीजिए, आपका हाइट सही है, डेफिनेटली इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेयरिंग बाइक है, अगर आप ये 140 की स्पीड तक जाती है तो ये 150 की स्पीड तक, टॉप स्पीड तक जाती है, ये चीज़ आपको पता होगा, और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके बहुत सारे वीडियो इस तरह के देख चुके होंगे, इस कारण से ये जो है इस तरह की बाइक हो जाती है। तो आपको अगर फेयरिंग में जाना है तो आप इस बाइक को लीजिए, आपकी हाइट सही है तो आप इस बाइक को लीजिए,
आपको लुक के वाइज इसको देखने रहना है, और आपको आपके पास अदर बाइक्स हैं प्रैक्टिकली उसके लिए, इसको एज ए स्पोर्ट्स बाइक की तरह यूज़ करना है, इस तरह से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बाइक इस बाइक को लीजिए। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आज की रेट में नहीं है, शुरू में था, अब तो 7-8। सीट छोटा है, सीट थोड़ा सा दिखाते हैं हम, सीट इसका छोटा है, डेफिनेटली छोटा है दो लोगों के लिए, जो पीछे बैठेगा वो थोड़ा सटके बैठेगा, अदरवाइज अगर उसको कंफर्टेबली बैठना है एक ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली आज के रेट में प्रैक्टिकल है और लोग यूज़ कर रहे हैं, पीछे का जो कैरियर होता है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए और यूट्यूब पर भी जाके सर्च करिए, बहुत लोगों ने लगाया है और प्रैक्टिकल है, और उसको लगाने के बाद आप दो लोगों के साथ आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर इसकी बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है जिसको आप लगा के इसको प्रैक्टिकली एज अ फैमिली बाइक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑलमोस्ट थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन R15 V3 को नहीं कर सकते, तो बिल्कुल एक सो केस बाइक हो जाती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना है, रफ्तार चलाना है, स्टाइल दिखाना है, तो वो उसके लिए सब कुछ सही है, फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उसमें, इसको आप उस तरह से कन्वर्ट थोड़ा कर सकते हैं चाहें तो, ये डिफरेंस है। तो ये मेरा MT-15 DMM, मैं ज़्यादातर MT-15 सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप एक साल दो साल में आपका मन भर जाता है, और बाइक का रजिस्ट्रेशन 15 साल का होता है, अगर आप उसको 8 साल भी रखते हैं अपने पास और उसके बाद बेचते हैं तो 8 साल आप सिर्फ एक ही तरीके से आप लाइफ नहीं जीते रह सकते हैं, आपको चेंज होना होता है, आप कॉलेज में हैं तो ऑफिस में जाते हैं तो फिर आपको यहां से फिर यहां शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी, तो वो चीज़ है, तो लॉन्ग टर्म पे हमेशा सोच के लेना चाहिए आप जब भी बाइक लेने जा रहे हैं, तो दोनों में यही डिफरेंस है। अगर आपको फेयरिंग चाहिए दिखाने के लिए बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, 150 चाहिए, सिर्फ रेस जीतना है तो सही है, प्रैक्टिकल चाहिए तो प्रैक्टिकल में आप इधर जा सकते हैं, और कम कॉस्ट में थोड़ा प्रैक्टिकल चाहिए तो आप FZ ले सकते हैं, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस वहाँ नहीं मिलेगा, नॉर्मल बाइक है वो, इसको FZ से कंपेयर ना करें, इसको आप 200cc बाइक से कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह की कहानी है कुछ। अगर आप पटना में रहते हैं और परचेस करना चाहते हैं तो यामा का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं, यति यामा शोरूम का, फाइनेंस पे लेने के लिए आप सारी इंक्वायरी जो है कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। बाय।